हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। थर्मल इंजीनियरिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि स्पेसिफिक हीट्स के बारे में, ठीक है, स्पेसिफिक हीट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है पहला, वो है रेग्नाल्ड्स लॉ। क्या है? रेग्नाल्ड्स लॉ, यानी रेग्नाल्ड का नियम, ठीक है। तो ये बड़ा ही सिंपल सा नियम है और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है, ठीक है, बस लिख दिया है, आपके सिलेबस में दे दिया, इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। सिंपल सा नियम ये है कि अभी हमने पीछे पढ़ाया क्या, सीपी और सीवी। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया सीपी और सीवी। सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। और सीवी क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। अब ये दोनों वैल्यू जो होते हैं रेग्नाल्ड के अनुसार किसी गैस के लिए, ये दोनों वैल्यू चेंज नहीं होंगे, चाहे गैस का प्रेशर या फिर टेम्परेचर आप कितना भी कर लीजिए, ठीक है। यानी कि गैस का टेम्परेचर प्रेशर चेंज होने के कारण इन दोनों वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेग्नाल्ड्स लॉ, ठीक है। रेग्नाल्ड्स लॉ के अनुसार ऐसा होता है, ठीक है। तो हालांकि हमने आपको बताया पहले, ये सीपी और सीवी कांस्टेंट कब रहते हैं, हमने बताया था एक बार जब आइडियल गैस बता रहे थे। सीपी और सीवी कांस्टेंट कब रहते हैं? जब ये कैलोरीफिक परफेक्ट गैस हो, या फिर सिंपली आप कहें कि परफेक्ट गैस अगर होगा कोई, कैलोरीफिकली कहें तो ज्यादा सही है, कैलोरीफिकली परफेक्ट गैस होगा, या फिर आप कह लीजिए सिंपली परफेक्ट गैस अगर होगा, उसी का सीपी और सीवी कांस्टेंट रहेगा। यहां तक कि तापमान बदलने के कारण सीपी और सीवी आइडियल गैस का भी बदलता है, ठीक है। तो यहां चेंज होना लाजमी है, तो इस नियम का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ, अगर कैलोरीफिक परफेक्ट गैस है, ठीक है ना, यानी परफेक्ट गैस है, तब सीपी और सीवी प्रेशर टेम्परेचर कुछ भी कर लीजिए गैस का, वो नहीं बदलने वाला। सीपी और सीवी मींस ये सीपी और सीवी कांस्टेंट रहने वाले हैं इस पर्टिकुलर गैस के लिए, समझो बात, ठीक है ना, अगर वो परफेक्ट गैस है तब, ठीक है। और दूसरे शब्दों में यही बात जो है रेग्नाल्ड्स नियम कहता है, वो कोई कैलोरीफिक परफेक्ट गैस नहीं कहता है, वो कहता है कोई भी गैस का सीपी और सीवी कांस्टेंट रहेगा, यानी नियत रहेगा एक गैस के लिए, ठीक है, चाहे टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी कर लीजिए। तो यह है रेग्नाल्ड्स लॉ, सिंपल सा। तो आप लोग इसको लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। लिखना है कि किसी गैस के लिए सीपी और सीवी का मान नहीं बदलता इस नियम के अनुसार, मतलब रेग्नाल्ड्स नियम के अनुसार सीपी और सीवी का मान नहीं बदलता, चाहे प्रेशर और टेम्परेचर कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल एनर्जी। क्या है हमारा? इंटरनल एनर्जी, इसको हिंदी में कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। यू से दिखाते हैं इसको, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से, ठीक है। अब देखिए इंटरनल एनर्जी क्या होता है, कि किसी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन के कारण उसमें ऊर्जा, यानी मॉलिक्यूल होंगे, कोई भी मैटर हुआ उसमें मॉलिक्यूल होने ही है, तो उनके मॉलिक्यूल मोशन भी करते हैं, तो मॉलिक्यूलर मोशन के कारण, ठीक है ना, होने वाली। देखिए मॉलिक्यूलर मोशन कब होता है ये ध्यान देना। मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब इससे बस मतलब नहीं है कि मॉलिक्यूल चल रहे होंगे, मॉलिक्यूलर मोशन का मतलब वो वाइब्रेशनल भी हो सकता है, यानी अपने जगह पर वाइब्रेट भी कर सकते हैं, गति भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने जगह पर रोटेट भी कर सकते हैं, तो सारा ये मोशन मॉलिक्यूलर मोशन कहलाता है। और अगर कोई वस्तु 0 केल्विन से ऊपर तापमान पर है तो उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूलर मोशन होना लाजमी है, होगा ही होगा, ठीक है, या तो वाइब्रेट तो कम से कम जरूर करेंगे, इसी के कारण तापमान आता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो इंटरनल एनर्जी है किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन के कारण उपस्थित ऊर्जा, और
पार्टिकल अरेंजमेंट, पार्टिकल्स अरेंज होते हैं ना, मॉलिक्यूलर या फिर मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट भी आप उसको कहते हैं, मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट्स के कारण उपस्थित ऊर्जा के योग को हम लोग कहते हैं इंटरनल एनर्जी। ठीक है, यानी क्या है, तो इंटरनल एनर्जी को हम किससे व्यक्त करते हैं, यू से। अच्छा चलो लिख देते हैं, तो किसी भी सिस्टम के मॉलिक्यूलर मोशन के कारण उपस्थित ऊर्जा, ये स्टोर्ड एनर्जी के अंडर में आता है, बता चुके हैं पहले, उपस्थित ऊर्जा तथा पार्टिकल अरेंजमेंट के कारण उपस्थित ऊर्जा के योग को, ठीक है, ऊर्जा के योग को आंतरिक ऊर्जा, सिस्टम का आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, यानी इंटरनल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, इसे U से प्रदर्शित करते हैं, किसे प्रदर्शित करते हैं, इसे U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, U से प्रदर्शित करते हैं। तो अर्थात हुआ का U इज इक्वल टू, यानी आंतरिक ऊर्जा बराबर एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन प्लस एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, अब ये देखो, ये मॉलिक्यूलर एनर्जी ड्यू टू पार्टिकल मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर मोशन जो होता है वो तापमान के कारण होता है, या फिर वो समझ लो कि इसी मॉलिक्यूलर मोशन के कारण तापमान होता है। ठीक है ना, ये नहीं कि तापमान के कारण ये मॉलिक्यूलर मोशन होता है, तापमान हमको एग्जिस्ट, तापमान हमको मिलता कैसे है, इसी मॉलिक्यूलर मोशन के कारण। ठीक है, तो मेन जो है मॉलिक्यूल्स का मोशन है, उसके कारण तापमान होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ये क्या है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। तो U जो होता है वो यही होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी बराबर किसके होता है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी और प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब ये इंटरनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ये तापमान का मेजर होता है, समझिए तापमान को बताता है। ठीक है ना, और ये इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बताता है, फेज को बताता है। ठीक है ना, ये फेज के कारण ऊर्जा होता है, किसी भी में, मतलब किसी सिस्टम में जो इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके किसके कारण होता है, फेज के कारण। ठीक है ना, समझ लो इसी के कारण फेज एग्जिस्ट करता है, ऐसे समझना, इसी के कारण टेम्परेचर का आता है सिस्टम में, और इसी के कारण फेज एग्जिस्ट करता है, यानी फेज में जो अलग अलग फेजेज मिलते हैं उसका कारण यह है। इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी अलग फेज में सॉलिड में अलग होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है, अलग होता है ज़्यादा, क्या कहे कि वो तो डिपेंड करेगा मॉलिकुलर अरेंजमेंट्स पर, तो ये अलग होता है, लिक्विड में अलग होगा और गैसियस में अलग होगा। ठीक है, और ये जो होता है इसी को हम लोग लेटेंट हीट भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट, यानी गुप्त ऊष्मा जो था ना, बिल्कुल इसी के कारण था, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
तो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी हो गया, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, दोनों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इंटरनल एनर्जी बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस के लिए बात करते हैं, इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। तो अभी हमने लिखा था U क्या है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, यानी कि आइडियल गैस के लिए यानी आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा क्या होता है। ठीक, तो अगर बात करें, देखो इंटरनल एनर्जी फॉर एन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, तो गैस में मॉलिक्यूल तो मोशन करते हैं लेकिन कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है। गैसेज में होता है कोई अरेंजमेंट मॉलिक्यूल्स का, पार्टिकल्स का? नहीं, वो तो रैंडम मोशन करते हैं, होता है ना, सब फ्री होते हैं, सारे मॉलिक्यूल अपने लिए अपने आप में फ्री होते हैं, वो किसी तरह अरेंज नहीं होते। ठीक है ना, यानी कोई उसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है, कोई अरेंजमेंट नहीं होता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आइडियल गैस के लिए इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। तो फॉर एन आइडियल गैस इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो बचा क्या, यू क्या बचा, केवल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बचा, यानी आंतरिक आंतरिक गतिज ऊर्जा केवल बचा ना यू। अर्थात होता क्या है कि यू जो होता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली होता है, क्योंकि ये इसी के कारण क्या होता है, टेम्परेचर आता है यानी तापमान आता है। तो यू जो होता है आइडियल गैस के लिए केवल क्या होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इसी को हम लोग जूल्स लॉ भी कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ, जूल का नियम। अगर पूछ दे एग्जाम में जूल्स लॉ क्या होता है, जूल का नियम, तो बोलोगे कि किसी आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी फॉर दैट आइडियल गैस, यानी उस आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी होता है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये ध्यान देना, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब केल्विन स्केल में। ठीक है, तो अब देखो इसके लिखने का क्या मतलब, ये कोई अजीब चीज नहीं है या फिर कोई बहुत ही खतरनाक चीज नहीं है। इसके कहने का मतलब ये फंक्शन है, किसी भी फंक्शन से रिलेट कर सकता है। यू और टी में या तो लीनियर भी हो सकता है, आप पढ़े होंगे लीनियर का मतलब इसमें संबंध एक लाइन का होगा, यानी टी पर केवल घात एक आएगा, जो भी दाएं पक्ष में आएगा कांस्टेंट कुछ आएगा और उसके साथ टी के घात एक आएगा। ठीक है, और अगर फंक्शन जो है स्क्वायर होगा, जिसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक होगा, यानी कि पैराबोलिक भी कह सकते हो, पावर टू का होगा तो इस पर टू आएगा, लेकिन होता क्या, एक्चुअल में लीनियर फंक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है, लीनियर फंक्शन ही होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं, चूंकि एक्चुअली में लीनियर फंक्शन होता है, तो हम कह सकते हैं कि यू जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी न लिख के एक चीज और लिख देते हैं, चलो लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ये टी लिख सकते हो और यू को फिर क्या कर सकते हो, यहां से लिख सकते हो सी वी टी।
चलिए इसको न लिखते हुए, क्योंकि छोड़िए इसको आपको करने की जरूरत भी नहीं। अब देखिए, अब मेन चीज बताते हैं क्या है, क्यों हमने उसको मिटा दिया और हम क्या बोलने जा रहे हैं। हम ये बोलने जा रहे हैं, ये बताने जा रहे हैं कि एक्चुअल में U का एब्सोल्यूट मान कितना है, यानी कि कहने का मतलब जैसे होता है ना ताप प्रेशर होता है, तो प्रेशर एक एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, वहां से जब मेजर करते हैं तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। तो U का भी कुछ जीरो होगा, कोई जीरो होगा, क्या होगा जीरो अभी तक हमको पता नहीं है एग्जैक्टली, हम बस मान लेते हैं जीरो हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन अब हमको एब्सोल्यूट वैल्यू U का भी अभी तक नहीं पता है, क्योंकि हमको एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक तरह से एब्सोल्यूट प्रेशर भी नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए हम देखो होता क्या, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम में हमको U से कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क किससे पड़ता है कि चेंज इन U कितना हुआ, यानी U में परिवर्तन जो हो रहा है एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जाने में, उससे मतलब होता है, ठीक है। तो जितने भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपको मिलेंगे इंजीनियरिंग में, उसमें कोई किसी में भी U के एब्सोल्यूट मान के जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। जरूरत किसकी पड़ेगी कि U में परिवर्तन कितना हो रहा है, तो चेंज इन U, तो चेंज इन U क्या, अब देखो ये U है एक प्रॉपर्टी सिस्टम की, क्या है ये सिस्टम की एक प्रॉपर्टी है, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे du लिख पाएंगे ना, क्योंकि प्रॉपर्टी के ही आगे d लिखते हैं, अगर प्रॉपर्टी नहीं जैसे वर्क है तो इसके आगे क्या लिखते हैं डेल्टा लिखते हैं, हम बता चुके हैं पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। तो du जो हो जाएगा यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा dt कह सकते हो, ठीक है। हालांकि इसका प्रूफ है, लेकिन अभी बताने लगे तो फिर कहोगे कि क्या सर ज्यादा डीप हो गया, इसलिए छोड़ो जाने दो। तो du इज इक्वल टू हो जाएगा, अब यहाँ पे आ जाता है cv dt, ठीक है। एक्चुअली cv नहीं आता है, mcv dt होना चाहिए, ठीक है, mcv dt होता है। लेकिन अगर हम बात करें पर यूनिट मास बेसिस पर, तो वहां पे हो जाएगा स्मॉल du, क्या हो जाएगा d स्मॉल u हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा m हट जाएगा, तो cv dt केवल हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, ये टोटल मास बेसिस पर है, यानी टोटल मास पर बेसिस पर है, और ये कैसा है यूनिट मास बेसिस पर है, ये टोटल मास रहेगा तब ये फार्मूला लगाओ, और यूनिट मास रहेगा तो ये फार्मूला लगाओ, क्योंकि स्मॉल यू क्या स्मॉल यू है कैपिटल यू अपान है, इसको तो हम बता ही चुके हैं कई बार, इसको स्पेसिफिक क्या बोलेंगे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोलेंगे, ये टोटल इंटरनल एनर्जी है अपान मास, ये शुरू में भी बताए थे याद करो जब प्रॉपर्टी बता रहे थे तब, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, ठीक है। अब यह ध्यान से देखना, ये du है, ठीक है, तो याद करो हम dv जब बता रहे थे, ध्यान से देखना, मान लो एक स्टेट वन है स्टेट टू है, तो du का मतलब क्या हो गया, अगर स्टेट वन से स्टेट टू जा रहे हैं तो u2 माइनस u1 हुआ, हुआ कि नहीं, du का मतलब क्या हो गया डायरेक्टली u2 माइनस u1 हो गया। तो अब देखो u2 माइनस u1 ये डिपेंड नहीं करता है कि आप इस पाथ से गए हैं कि इस पाथ से गए हैं कि इस पाथ से गए हैं कि इस पाथ से गए हैं, किसी भी पाथ से आप जाइए, फाइनली क्या मैटर करता है कि स्टेट टू में यू का मान क्या है और पहला क्या, और स्टेट एक में यू का मान कितना है, यू टू माइनस यू वन, डी यू का मतलब ये हुआ। तो देखो इसलिए हम कहते हैं डी यू इज इक्वल टू, क्योंकि एम सी वी डी टी है, क्या है डी यू एक प्रॉपर्टी है चूंकि, तो इसलिए कहते हैं ये डी यू का जो एक एक्सप्रेशन है ये हर तरह के प्रोसेस के लिए वैलिड है, बशर्ते उस प्रोसेस का अंतिम और पहली अवस्था पता होना चाहिए, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पता होना चाहिए, कोई अंतर है कोई मतलब कोई दिक्कत है किसी भी पाथ से आप जाइए, तो इसलिए किसी भी पाथ से लिए तो अलग अलग प्रोसेस का अलग अलग पाथ होगा, लेकिन पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ये जो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं फॉर एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल इरिवर्सिबल कुछ भी हो, एकदम आंख मूंद के यूज करना है इसको फॉर एनी प्रोसेस, बस आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए उस प्रोसेस का इनिशियल और एंड स्टेट पता होना चाहिए, वो क्लियरिफाई होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए। अब बीच में प्रोसेस कैसा हुआ कोई मतलब नहीं होता है डी यू क्या होगा, बस ये डिपेंड करेगा कि अंतिम और पहली अवस्था क्या है, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू एम सी बी
डेल्टा टी डी टी बोलते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, या फिर अगर पर यूनिट मास बेसिस पर करने चाहते हैं तो स्मॉल डी हो जाएगा सी बी डी टी, जहां से मास खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और चूंकि ये एनर्जी है तो एनर्जी किस में होगा, इसका यूनिट क्या होता है, इसका इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। और यहाँ पे जूल पर केजी होगा क्योंकि यूनिट मास बेसिस पर है, तो यहाँ पर जूल होगा, यहाँ पर जूल पर केजी होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ इंटरनल एनर्जी समझ में आ गया होगा अच्छे से, पहले ही चैप्टर में था हालांकि, लेकिन इसमें क्योंकि बहुत अच्छे से बताना था इसलिए उसको रोके हुए रखे थे, इसमें जो है बहुत अच्छे से पूरी बात बता दिए, उस समय ये बता नहीं सकते थे, ठीक है, क्योंकि हमको पता था कि अभी तुम लोग लगोगे कि ऐसे ऐसे बात करने की, अरे ज़्यादा डीप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे पढ़ना है भाई, डीप है क्या, जब ये तुम्हारे सिलेबस में है तो अगर अगर मान लो कि सही से पता है किसी चीज को तो हम उसको सही से डिलीवर नहीं करेंगे, उसको गलत अगर हम डिलीवर करें तो फिर क्या उससे क्या फायदा है, मैं खुद के साथ जो है वो गलती कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे पता है कि ये नहीं, ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है, तो मैं गलत तरीके को नहीं डिलीवर करना चाहता, जो सही तरीका है उसी को डिलीवर करूंगा, मीन्स जो सही में पढ़ाया जाना चाहिए, गलत कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ अगर मुझे गलत पता होता मैं पढ़ाता, मुझे नहीं पता होता कि ये मेरे, अगर वो मेरे लिए सही होता, हाँ मेरे लिए यही सही है, तो मैं पढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं ये नहीं सही है, ऐसे बोलना चाहिए इसको, तो हम उसको ऐसे ही बोलना चाहिए, हमें वैसे ही नहीं बोलना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इंटरनल एनर्जी के बाद बात आती है एंथैल्पी की, ठीक है। बात करते हैं हम लोग एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी एंथैल्पी, ठीक है। तो एंथैल्पी को हिंदी में भी एंथैल्पी कहते हैं और इंग्लिश में भी एंथैल्पी कहते हैं। तो एंथैल्पी को, एंथैल्पी क्या होता है, किसी सिस्टम का एक प्रॉपर्टी होता है, या फिर आपका ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, यानी कई प्रॉपर्टीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो चूंकि ये कई प्रॉपर्टी का कॉम्बिनेशन होता है तो खुद भी ये क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है, और ये इस प्रकार से परिभाषित है, इसको H से डिनोट करते हैं, यानी H से निरूपित करते हैं, और H इज इक्वल टू होता है U प्लस पी वी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत है, इसको इसी तरह से परिभाषित किया गया, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि इसको निम्न प्रकार से परिभाषित है, H इज इक्वल टू U प्लस पी वी, जहां पे H क्या है, जहां H क्या है, एंथैल्पी है, एंथैल्पी, ठीक है, जो कि जूल में होगा, ठीक है। और U क्या है, आप पढ़ ही चुके, इंटरनल एनर्जी है, यानी कि आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी अर्थात आंतरिक ऊर्जा है, ये भी जूल में ही रहेगा। P क्या है, प्रेशर है, यानी कि दाब है, और ये किस में होगा, पास्कल में होगा। और V क्या है, वॉल्यूम है अर्थात आयतन है, जो कि मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो इस तरह से एंथैल्पी डिफाइंड है, H बराबर होता है U प्लस पी वी, ठीक है। पी वी जो है एक और टर्म है, इसका नाम है फ्लो वर्क भी बोलते हैं, इसको फ्लो वर्क बोलते हैं या फिर फ्लो एनर्जी बोलते हैं, हालांकि ये पी वी नहीं, आप पी वी को ही बोल सकते हैं, और अगर पी वी स्मॉल भी रहेगा तो फ्लो एनर्जी पर यूनिट मास भी बोलते हैं उसको, ठीक है। पी वी जो होता है, एक्चुअल में पी वी जो होता है फ्लो एनर्जी या फ्लो वर्क बोलते हैं इसको, बोलते हैं पी वी स्मॉल वी वाले को,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप इसको बोल सकते हैं। देखो अब इसका भी प्रूफ है, इसको क्यों फ्लो एनर्जी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन अब प्रूफ नहीं दिखाने जाएंगे। देखो अब यहाँ पे आगे बढ़ रहे हैं, H इज इक्वल टू यू प्लस पी भी दिया हमने, ये क्या कहलाएगा, H क्या कहलाएगा, यही एंथैल्पी है, ठीक है, तो इसी प्रकार से परिभाषित है। अब देखो U भी सिस्टम की प्रॉपर्टी होता, सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि ये भी पॉइंट फंक्शन होता है, P भी सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, V भी सिस्टम का प्रॉपर्टी होता है, तो जब कॉम्बिनेशन हो गया तो ये भी क्या हो गया, सिस्टम का प्रॉपर्टी ही कहलाएगा। अब जैसे U में चेंज हमने देखा कि मैटर क्या करता है, अगर मान लो हम इसको यूनिट मास, पहले हम ये भी लिख दें कि ये तो टोटल मास बेसिस है, यानी इसमें जो है टोटल मास बेसिस है, ये टोटल एंथैल्पी है, इसको कहते हैं टोटल एंथैल्पी। अगर हम स्पेसिफिक एंथैल्पी लिखना चाहें, यानी कि यूनिट मास बेसिस पर लिखना चाहें, तो उस समय क्या हो जाएगा, ये स्मॉल एच हो जाएगा, ये स्मॉल यू हो जाएगा, और पी और ये स्मॉल वी हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे भी डिनोट करते हैं। इसका उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सब ये जूल पर, जूल पर केजी हो जाएगा, ये भी जूल पर केजी हो जाएगा, ये तो पास्कल में रहेगा लेकिन ये मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, ठीक है, तो ये होता है। अब जैसे जैसे ना इंटरनल एनर्जी, हमने देखा कि इंटरनल एनर्जी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि उसका परम मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की जीरो से उसका कितना मान होता है, मीन्स कहीं तो जीरो होगा, अब जीरो से ऊपर है इतना तो मतलब टेम्परेचर प्रेशर इतना है तो यू का मान इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए। एक्चुअली में देखो जो स्टीम टेबल भी तुम पढ़ोगे तो उसमें जीरो लिया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जीरो कहाँ लिया जाता है, वो एब्सोल्यूट जीरो वाला जीरो नहीं होता है, ठीक है, कहीं और जीरो लिया जाता है। अब ये बातें नहीं समझ में आएंगी, जब हम पढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम तब समझ में आएंगी, ठीक है, तो अभी के लिए छोड़ दो, जाने दो। तो यहां पे हो गया चेंज इन एंथैल्पी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जो अभी हम देख रहे थे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं dH इज इक्वल टू डी यू प्लस डी पी वी, ठीक है, अगर पूरा कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो, ठीक है, या फिर अगर यूनिट मास बेसिस पर लिखना चाहते हैं तो डी यू डी एच प्लस स्मॉल डी यू प्लस डी पी स्मॉल वी, ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया किसी भी मतलब सिस्टम के लिए, किसी भी तरह के मैटर के लिए, लेकिन अगर बात करें कि अगर आइडियल गैस हो तो फॉर एन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस के केस में चेंज इन एंथैल्पी है ये, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन कैसे लिखेंगे, तो डी एच इज इक्वल टू हो गया डी यू, ठीक है, और यहाँ देख रहा है ये यूनिट मास बेसिस वाला, ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो जब अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो हम मास बेसिस करने के लिए हम मास का मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो अगर ये आइडियल गैस है तो हम जानते हैं आइडियल गैस में क्या होता है, पी स्मॉल वी इज इक्वल टू आर टी होता है ना, अगर ये कैपिटल वी होता तो यहाँ पे एम आर टी होता है ना, यही एम आके जब इसको डिवाइड कर देता तो स्मॉल वी हो जाता है, तो पी वी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आर टी लिख सकते हैं। अब देखो R जो होता है कांस्टेंट होता है, तो वो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, वो डिफरेंशिएशन के अंतर्गत नहीं आएगा, तो केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, T का होगा। देखो यहाँ पे हम नहीं कर सकते, यहाँ पे इसका एक्चुअल में मतलब ये हुआ, पूरा मतलब समझो, इस DPV का मतलब हुआ कि दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है फिर जो है डिफरेंशिएशन है, तो एक बार होगा PdV और प्लस एक बार होगा VdP, तो ध्यान रखना आगे आएगा जब कभी तो ऐसे इस पूरे को ऐसे लिखना, न कि इसको ऐसे लिख देना, पी आगे कर देना और डीवी लिख देना, वो तभी होगा जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तभी होगा पी डीवी, ठीक है, अदरवाइज ये दोनों वैल्यू होने चाहिए, ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो यहां से अब क्या कर सकते हैं, आर क्योंकि कांस्टेंट है तो आर बाहर ले सकते हैं,
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको dh को, dh इज इक्वल टू हो जाएगा du प्लस आर डी टी, ठीक है, क्या हो जाएगा du प्लस आर डी टी, ठीक। तो अब अभी हमने बताया था r के जगह पर, अब क्या हम लिख सकते हैं r के जगह पर हम लिख सकते हैं, अब देखिए हमको रिलेशन तो नहीं पता है लेकिन यहाँ पे हम रिलेशन यूज करेंगे, ठीक है। रिलेशन क्या यूज करेंगे, cp माइनस cb, क्योंकि अभी आगे हम प्रूफ करवाएंगे इसको, cp माइनस cb इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है, ठीक है। तो cp माइनस cb हमको यूज करना पड़ेगा लेकिन ये अभी प्रूफ नहीं करवाए, आगे है प्रूफ इसका। तो cp माइनस cb इज इक्वल टू r होता है, तो cp माइनस cb हो जाएगा dt, ठीक है। और du को हम जानते ही हैं, अभी स्मॉल du है ना, तो m इसमें से हट ही जाएगा, तो cb dt हो जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cp dt माइनस cb dt हो जाएगा। अब देखो cb dt से cb dt कट गया तो dh इज इक्वल टू क्या हो गया, cp dt, ठीक है। तो स्मॉल डी स्मॉल h है तो पर यूनिट मास बेसिस पर है। अब अगर इसी को टोटल मास बेसिस पर लिखना चाहते हैं यानी फुल, तो कैपिटल H लिखेंगे dH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, m cp dt आ जाएगा। तो ये होता है चेंज इन एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी में परिवर्तन किसी प्रोसेस के लिए। अब देखो ये भी क्या है, प्रॉपर्टी है। तो अभी वही बताया, प्रोसेस वाली बात सुनो कि कोई भी प्रोसेस हो रहा है ये तो प्रॉपर्टी है। तो मान लो सिस्टम एक से कोई सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू में जाता है, अब यहाँ पे है क्या dH का मतलब क्या है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है ना dH, तो इसको हम लिख सकते हैं H2 माइनस H1 लिख सकते हैं। जैसे डेल्टा Q वर्क को हम नहीं लिख सकते थे W2 माइनस W1, W1 से 2 भी वहाँ लिखेंगे, वहाँ W2 माइनस W1 नहीं लिख सकते थे, वो बताए थे पाथ फंक्शन होता है, लेकिन ये तो पॉइंट फंक्शन है। तो H2 माइनस H1 निर्भर किस पर कर रहा है, कि दूसरी अवस्था में H का मान कितना है और पहली अवस्था में H का मान कितना है, ये कोई डिपेंड नहीं करता कि किस प्रोसेस से होके जा रहा। इस प्रोसेस के लिए भी वही होगा dH, चाहे इस प्रोसेस से जाए तब भी वही dH होगा, इस प्रोसेस से जाए तब भी वही dH होगा। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो dH का मान है ना, ये हर प्रोसेस के लिए अप्लीकेबल है। तो पूरी तरह से आंख मूंद के, चाहे वो इरिवर्सिबल हो, रिवर्सिबल हो, कोई भी प्रोसेस हो, बस क्या हमको पता होना चाहिए, उस प्रोसेस का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पता होना चाहिए। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट पता है तो प्रोसेस कैसा भी हो उसके लिए चेंज इन एंथैल्पी क्या होगा, एम सी पी डी टी होगा, ठीक है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी पीछे हमने बताया क्या होगा, एम सी बी डी टी होगा। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये दोनों इक्वेशन जो है किसी भी प्रोसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रोसेस के लिए। तो ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। डी यू इज इक्वल टू, अगर कैपिटल यू लिखें, चलो इसको मिटा के लिखते हैं, तो ये है चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है, इसको लिख लेना। अब इसको समराइज कर देते हैं, क्या होगा कि डी यू इज इक्वल टू होगा, कैपिटल यू लिख रहे हैं तो एम सी बी डी टी होगा, और ये किसी भी प्रोसेस के लिए यूज किया जा सकता है, और ये वैल्यू आएगा जूल में आएगा, ठीक है। और अगर स्मॉल डी यू लिख रहे हैं तो सी बी डी टी होगा, और ये किसी भी प्रोसेस के लिए ये भी यूज किया जा सकता है, और ये जूल पर के जी में आएगा, ठीक है। इसी तरह से डी एच जो होगा, इसी तरह से डी एच भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट फंक्शन है, दोनों ही पॉइंट फंक्शन है, तो किसी भी प्रोसेस के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये होगा एम सी पी डी टी, अगर कैपिटल एच लिखा है तो ये भी जूल पर के जी में ही होगा, क्योंकि इसका भी यूनिट वही है, जूल में होगा अगर एब्सोल्यूट वाला है तो, मतलब टोटल मास वाला है तो। और स्मॉल एच है अगर, तो एम यहाँ से हट जाएगा, सी पी डी टी होगा, ठीक है, और जूल पर के जी में होगा। और ये कोई भी प्रोसेस हो, रिवर्सिबल हो, इरिवर्सिबल हो, क्वासी स्टैटिक हो, नॉन क्वासी स्टैटिक हो, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, सबके लिए यही फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।